प्रतीक को, करण को, रश्मि को, आपके फेवरेट कंटेस्टेंटों को, सभी मेरे दोस्त हैं। मैं पर्टिकुलर किसी एक का नाम लूँगी तो एक नाराज़ हो जाएगा, तो मैं चाहती हूँ शमिता शेट्टी को ढेर सारे वोट करें, प्रतीक को करें, करण कुंद्रा को करें, रश्मि को करें और निशांत को करें गाइस, बट वोट करें। आई एम वेरी वेरी सैड, दिल करता है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत सैड हूं कि मैं बिग बॉस से आउट हो गई हूं। बिग बॉस का मसाला खत्म हो गया, इंटरव्यू खत्म करा कि नहीं, मतलब क्या है? डेफिनेटली बिग बॉस का मैं बिग बॉस से मुझे आउट कर दिया गया है। मैंने देश की जनता को इतना एंटरटेनमेंट दिया और अगर मैं ही नहीं जीती, इतना लुक्स करने के बाद मेरा इतना लुक्स मैंने दिया और इतना लुक्स करने के बाद अगर मैं नहीं जीती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी डिज़र्विंग नहीं है फिनाले के लिए, कोई भी डिज़र्विंग नहीं है ट्रॉफी जीतने के लिए। मैं बहुत सैड हूँ क्योंकि आप मेरा एक एक एपिसोड दिखाइए, निकाले वुड से और कलर से और दूसरों का निकाले, चुम्मियाँ करना, पपियाँ करना, चिपकना, अगर ये एंटरटेनमेंट है तो ये फिर चीप एंटरटेनमेंट है। और मैं जब गई तो लोग कब्र में थे, मुर्दे बन के सो रहे थे, मैंने जाके सबको जगाया है। मैं रियल थी, आप मेरी जर्नी एक 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 मेरा एपिसोड आप जनता, देश की जनता देखिए। बहुत मुश्किल होता है देश की जनता अपने आप को ग्राउंड में नीचे रखकर, सारी सारा सब लड़कियां तैयार होती थी, बाल बनाती थी, मेकअप करती थी, लेकिन मैंने हमेशा क्लोन बनी, भूत बनी अंदर या मंजोलिका बनी, अलग अलग टाइप का, बगैर किसी के खौफ से सबकी बैंड बजाई, मैंने किसी से डरी नहीं। आप मेरा एंटरटेनमेंट देखिए, लेकिन बिग बॉस ने रातों रात मुझे निष्कासित कर दिया बिग बॉस से। मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट गया बिग बॉस, मेरा ऐसा क्या कसूर था जो आप मुझे फिनाले में नहीं लेकर गए बिग बॉस। मैं लास्ट 3-2 में नहीं रही, सलमान जी ने मेरा हाथ ऊंचा नहीं किया। इसका मतलब ये कि बिग बॉस अगर आप हर साल मुझे बुलाएंगे तो आप सिर्फ मुझे टिश्यू की तरह इस्तेमाल करेंगे। मैं टिश्यू पेपर नहीं हूँ बिग बॉस, मैं जीती जागती इंसान हूँ। आप मतलब मेरा एंटरटेन के लिए, जब तक संतरा है, संतरे में जूस है, आप जूस निचोड़ लेंगे, आप जूस को निचोड़ लेंगे और फिर छिलका फेंक देंगे। मैं कोई संतरा या मैं नींबू या कोई टिश्यू पेपर नहीं हूँ बिग बॉस, जो मैं आप मुझसे एंटरटेनमेंट लेंगे, लेकिन जब फिनाले का समय आएगा तो आप दूसरों को ले जाएंगे फिनाले में। बिग बॉस आई लव यू सो मच, यू नो दैट। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।